తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు లక్షల టన్నుల ఫెర్టిలైజర్ కొరత ఉందని మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. లోక్సభలో ఈ విషయమై జీరో అవర్లో మాట్లాడిన ఆయన ఈ కొరతను అధిగమించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరారు. రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వెంటనే తెలంగాణకు కేటాయించిన ఫెర్టిలైజర్ను విడుదల చేయాలని ప్రభాకర్ రెడ్డి కోరారు. फार्मर्स के लिए बहुत कुछ सहूलत दिया. अभी ये साल में, पिछले साल में, ये साल में एग्रीकल्चर 10 गुने बढ़ गए. अभी सबसे मुद्दा ये है, 3 महीने से हमारा अभी पैड़ी का मौसम आ गया. हर जगह पे खेती बोड़ी का चालू हो गया. अभी दो अढ़ाई महीने हो गए. अभी फर्टिलाइजर का बहुत दिक्कत हो रहा. हर गांव में फर्टिलाइजर का फार्मर्स जो है सुबह शाम तक लाइन पे लगा के अब 2-4 घंटा 5-5 घंटा अभी लाइन पे हजारों लोग, हजारों फार्मर्स पूरा काम धंधा छोड़ के फर्टिलाइजर्स के लिए फिर लाइन पे टायर के भी एग्रीकल्चर ऑफिसर, फर्टिलाइजर शॉप्स के ऑफिसर उनके साथ में बैठे, मगर 1 लाख टन शॉर्टेज है इस साल में. फिर ये शॉर्टेज किस लिए होगा? पिछले हफ्ते में अपना सदन में भी अपना मंत्री जी बताया, ये यूक्रेन रशिया का ये वार के वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता बोल के हमारे को प्रॉमिस भी किया. फिर इस बार 3 महीने से फर्टिलाइजर का तेलंगाना पूरा स्टेट के अंदर शॉर्टेज, बहुत शॉर्टेज है. हमारा फार्मर्स बहुत दुख से है. ये इमीडिएटली ये फार्मर्स के लिए हमारा फर्टिलाइजर के बारे में फिर तुरंत, फिर 1 लाख टन शॉर्टेज है. वो शॉर्टेज छोड़ के 1 लाख फिर टन रिक्वायरमेंट में 2 लाख टन का रिक्वायरमेंट है पूरा स्टेट के अंदर. पूरा हमारा स्टेट में सारे 90% ऑफ द